नमस्कार दोस्तों, गार्डन व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका गार्डनर दोस्त। ये जो प्लांट आप देख रही है कलोंचे है, ये एक सकुलेंट प्लांट है। विंटर में इस प्लांट का फ्लावर ऐसे खिलता है। ये दो तरह का फ्लावर देता है, एक डबल पेटल है, एक सिंगल पेटल। ये मेरे पास सिंगल पेटल है, रेड कलर का है और बहुत सारी कलर में आता है, जैसे कि ऑरेंज, पिंक, येलो, और बहुत अच्छा लगता है देखने में। देखिए कितना सारा फ्लावर है इस प्लांट को। देखिए छोटा सा छोटा कंटेनर में भी अच्छा तरह से फ्लावरिंग करता है। देखिए इधर देखिए, मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में लगाया था एक कटिंग, फिर भी कितना खूबसूरत फ्लावर है। देखिए मेरा कितना सारा है, मैंने जहाँ पर छोटा सा छोटा कटिंग लगाया था वो भी फूल बन के ऐसे खिल गया है। गुलदस्ता की तरह खिलता है ये प्लांट। देखिए इसका फ्लावर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप घर पर ये फ्लावर लगा सकते हैं। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये कोई भी आपका टेम्परेचर जैसे भी हो, आपका कोई भी वेदर में ये प्लांट टिक जाता है। समर में इस प्लांट का फूल नहीं रहता है मगर पत्ता रहता है। ये पत्ते देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, आप इंडोर में भी रख सकते हैं। विंटर में जब इसका फ्लावर आने का टाइम होता है तब इस प्लांट को आप बाहर रखे धूप में। इस प्लांट को ज़्यादा पानी मत दे, जब ऊपर की मिट्टी का हिस्सा सूख जाए देखिए तभी इस प्लांट को पानी दे। आप अभी बात करेंगे मिट्टी का। देखिए इस प्लांट में मैंने 40% गार्डन सॉयल लिया है और 30% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाया है और 30% मैंने रिवर्सन मिलाया है। आप ऐसे पॉटिंग मिक्स में आपका प्लांट लगाएंगे तो बहुत सारी फ्लावर आएगी। इसको ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप 15 दिन में एक बार लिक्विड खाद देंगे तो चलेगा। ऑर्गेनिक कंपोस्ट से आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट लिक्विड खाद बना के इस पर दे सकते हैं। देखिए और ये जो फूल आप देख रहे हैं ये बहुत दिन तक टिका रहता है। ऐसे 2 माह तो खिला रहता ही, एक बार फूल खिलता है तो 2 माह तक रहता है ये फूल। अब इसका प्रोपागेशन के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट छोटा सा छोटा कटिंग से अपनी नया प्लांट बना लेता है। देखिए पत्ते से भी ये प्लांट नया प्लांट बना लेता है। देखिए मैंने कितना छोटा सा, देखिए मैंने छोटा सा छोटा कटिंग ये रेत में लगाया था, वो अभी बड़ा हो गया है, इसमें भी फ्लावरिंग आएगा। देखिए देखिए पत्ते भी मैंने लगाया था, पत्ते से भी देखिए कितना खूबसूरत ये निकल के आया है। इधर देखिए मैंने पत्ते लगाया है, ये देखिए ये पत्ते भी रूट निकलना शुरू कर दिया है। आप क्या करना है देखिए, ऐसे छोटे से छोटे कटिंग भी आप इसके लगा सकते हैं। ये तो अभी रूट निकल के ही आया है, मैं और एक दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखिए ऐसे छोटा ब्रांच ले लीजिए, ऐसे छोटा। इसको क्या करना है, नीचे का पत्ता आप हटाकर ऐसे ही रेत में आप लगा दीजिए, सेंट में थोड़ा थोड़ा करके पानी दीजिए, इससे भी रूट निकल के आएगा और नया प्लांट बनेगा। आप अपने घर पे बहुत सारा एक प्लांट से बहुत सारा प्लांट कलोंचे का बना सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देखिए कितना खूबसूरत लगता है गुलदस्ता की तरह। आप इसको उठाकर, ये प्लास्टिक की बोतल में हमने लगाया, उठाकर आप कहीं भी अपने घर पर रख सकते हैं। देखिए ये देखिए इस प्लांट के पत्ते कितना खूबसूरत है, मैंने छोटा सा देखिए कंटेनर में लगाया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।